ये कैसी सभा? ये तो बहुत ही अनुचित है प्राणवल्लभ। राजाओं में भी ऊंच नीच और कुल का भेदभाव। एक और पाल नेमी है जिसने अपनी कूटनीति से राजाओं में फूट डाल, तो दूसरी ओर सुमेरु में चक्रासुर जो अपनी क्रूरता से हाहाकार मचा रहा है। अच्छाई और बुराई समान रूप से सब जगह उपस्थित रहते हैं। ये हमारे ऊपर निर्भर करता है कि हम अच्छाई को चुनकर सदमार्ग पर चले या बुराई के पथ पर। एक असुर ने अपनी वृत्ति का प्रभाव कैकई नरेश पर डाल दिया। आज एक असुर सफल नहीं हुआ बल्कि बुराई सफल हुई है, और ऐसी भावनाएं जब तक सफल होती रहेंगी आसुरी वृत्ति की जय होती रहेगी। मारुति, तुम सच में उड़े थे या हमारा भ्रम था? थोड़ा ज्ञान मुझसे ले लो। उड़ना कोई साधारण बात नहीं हो सकती, हर कोई नहीं उड़ सकता। मारुति, एक बार फिर उड़ के दिखा दो ना मित्र। नहीं नहीं मारुति, तुम ऐसा कुछ मत करना। उड़ान भरना सरल काम नहीं है। गिर गए तो, आघात हुआ तो? मुझे तो भय है कि तुम्हें कुछ भी हो सकता है। मित्र, भय से भागने से अच्छा है भय का सामना करना। यदि हम भय का सामना करते हैं तो भय हमारा सामना कभी नहीं कर पाएगा, और सत्य कहूँ तो भय कुछ होता ही नहीं। तुम सत्य कह रहे हो मित्र, हमें भय का सामना करना चाहिए। तुम पुनः उड़ने का प्रयास करो, हो सकता है तुम और अधिक तीव्र गति से उड़ सको। तुम तो रह नहीं दो, लगता है तुम उड़े नहीं थे। हाँ मारुति, लगता है हमें भ्रम हुआ था कि तुम उड़ रहे थे। तुम उड़
उड़ने का प्रयास ना करो तो अच्छा है। हमें भय है कि तुम्हें चोट लग जाएगी। माने कहा है भय मन का भ्रम होता है। मारुति पुनः उड़ेगा। जो प्रयास करना छोड़ देते हैं वो दुर्बल होते हैं। मारुति दुर्बल नहीं है। मुझे पुनः प्रयास करना ही होगा। संभवतः इस बार मारुति को सफलता मिल जाए। मारुति, तुम फिर गिर गए। तुम नहीं उड़ सकते मारुति। और अब पुनः प्रयास मत करो मारुति। इस विपदा के समय कोई नहीं है संसार में हमारी मदद के लिए। मुझसे तो नहीं देखी जाती लक्ष्मी बिटिया की ये दशा। चक्रकुट से भयभीत होकर वर पक्ष वालों ने आने से मना कर दिया। अब आप ही बताइए कि विवाह कैसे संपन्न होगा। दो दिन पूर्व जिस घर में डमरू और मृदंग की मधुर ताल के साथ हमारी बिटिया की खिलखिलाहट गूंजती थी, आज मात्र सिसकियों की आवाज सुनाई देती है। शांत हो जाओ लक्ष्मी की माँ, शांत हो जाओ। अब हमारे पास मात्र महाराज केसरी का ही आसरा है। मैं कुछ गांव वालों को लेकर उनसे सहायता मांगने जाऊंगा। न जाने क्या होगा, यदि यह विवाह टूट गया तो कौन आएगा हमारी पुत्री से विवाह करने। Yeah.